आंध्र प्रदेश के अमन अमान और पूरे सीएम के बारगा में प्रदर्शन किया गया जिसमें हमारी सरकार से मांग है कि जो 3-4 साल से अनियमित रूप से छात्र संघ चुनाव बंद है उन्हें पुनः चालू किया जाए। छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी है। आज राजस्थान विधानसभा में भी
50 से ज्यादा एमएलए छात्र राजनीति से चुनकर आए हुए हैं और हमारी मांग सरकार से यह है कि जल्द से जल्द चुनाव को पुनः चालू कराया जाए। हम भगत सिंह अम्बेडकर के वंशज हैं, हम हमारे अधिकारों और हितों के लिए लड़ना जानते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। हनीश मारोटिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जी। अब ये किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया? आज छात्र संघ चुनाव को लेकर हमने महाविद्यालय बंद किया है। महाविद्यालय पर गेट के ऊपर ताला साधा है, साथ ही पुलिस जाप्ता तैनात है, उनसे धक्का मुक्की भी हुई है और हमने रोड जाम भी किया है और टायर भी जलाया। कहीं ना कहीं जो छात्र छात्राओं के साथ, छात्र नेताओं के साथ ये कुठाराघात हो रहा है महाविद्यालय के अंदर। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को यहाँ समस्या का सामना करना पड़ेगा। साथ ही हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराया जाए। भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये साफ लिखा था कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, तो और उनका उप मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि हमने बंद किया छात्र संघ चुनाव, ना हम उसको शुरू करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं उनसे ये मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराएं।